मेरा नाम महीन, आप देख रहे हैं क्लास रिएक्शंस। और आज की वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं फन टाइम विद द स्टार कास्ट ऑफ भूज एंड इट्स अनसेंसर्ड द कपिल शर्मा शो। तो अभी हम लोग देखते हैं। वाओ, ड्रॉप इट। कुछ लोग तो इतने प्रिकॉशंस लेते हैं, मेरा एक दोस्त है उसको इतनी आदत है, एक्टर है वो भी, इतना सैनिटाइज करता है, यहां तक करता था सैनिटाइज, उफ कोरोना जैसे यहां से घुसने वाला है। इतना सैनिटाइज किया उसने, उसके बाद जाके ज्योति से लड़ रहा है। आप तो कह रहे थे इस साल मेरी दो फिल्में आएंगी, कहते तेरी किस्मत में लिखी थी, तूने सैनिटाइज कर करके निकाल दी है। कुदरत ने हमें कितनी बेशकीमती चीज से नवाजा है, ऑक्सीजन। हमने कभी थैंक्स नहीं किया भगवान को उस बात के लिए। अब जब पता चलता है ना कि ऑक्सीजन भी होती है एक चीज जो हम खींच रहे हैं। आजकल लोग ना ध्यान रखने लगे हैं, जैसे दिनेश मेरे को आके बोला था, कहता मेरी सीट चेंज कर। मैं क्यों? कहता पांडे मेरे हिस्से की भी खींच रहा है। ये लड़कियां खासतौर पे बड़ी वो फैशन वैशन करके आती हैं, और उनका बोलने का तरीका भी अलग होता है ना, आई हैव कम टू टेक माय सेकंड जैब। हाँ जैब, यू नो डॉक्टर, जैब जब लगता है ना तब इनका जैब जबड़ा इतना खुलता ना, जैसे सुई लगती है भैया ध्यान से मारोगी क्या? अजय पाजी इस फिल्म में जो किरदार प्ले कर रहे हैं ना, स्क्वाडन लीडर विजय कार्निक का, हमने सुना है कि शूट पे वो भी आपके साथ हमेशा रहते थे, ये सही बात है पाजी? आए थे थोड़े दिनों के लिए। अच्छा, तो उन्होंने जब देखा आपकी कास्ट में साथ में सोनाक्षी सिन्हा और नोरा फतेही, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप डायरेक्ट कर लो, मैं कर लेता हूँ ये रोल, मेरा ही तो है। क्या आर्मी में कपिल जैसे लोग नहीं है? एग्जैक्टली, मेरे जैसे भी चाहिए होते हैं, ऐसा थोड़ी ना। हाँ, यहाँ चाहिए होते हैं, फ्रंट पर कुछ और ही चाहिए होता है। फ्रंट पे, बैक में चाहिए, फ्रंट पे। सैल्यूट है यार हमारी आर्मी को, हमारी आर्मी का सैल्यूट है यार, सीरियसली। नोरा आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। ये ड्रेस कहाँ से बनवाई आपने? ये सीक्रेट है। खूबसूरत आदमी हो, फिट हो, कोई किस तरह भी कपड़े पहन ले, जचता ही जचता है। उसको हमने लियोनार्डो डिकैप्रियो को मंगवा के दिया पांडे को, तब भी देख लो लगिन रहा, गले में बो लगा है। एक बात पूछनी थी जी। मेरा भाई पंजाब से है तो अपने को पता रहता है अंदर से। स्टोरी सुनी थी कि खाली नोरा सुन के हाँ कर दी थी? बेसिकली मैं एक छोटी गल क्लियर कर दें जी। जब मैं छोटा था, मेरे को ऐसा था मैं अपनी कंट्री रिप्रेजेंट करनी है, चाहे मैं मतलब आर्मी में जाके करूँ। चलो ऐसे नहीं हो पाया बिकॉज मेरी स्टडीज थी मेडिकल, उसके बाद मैंने गाना शुरू कर दिया। पहला गाना YouTube पे डाला और उसके बाद वो चलते चलते फिल्मों में आ गए। लेकिन अभी फिल्मों के जरिए मैं अपनी, मेरी दोनों फिल्में जो बॉलीवुड के, उनमें अपनी मैं अपनी कंट्री रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, भुज में भी और 83 में। क्या बात है। नोरा पंजाब गई हो कभी? मैं चंडीगढ़ गई थी, जलंधर गई थी। अच्छा, हाँ, बट लॉन्ग बैक। क्यों? नहीं नहीं ऐसे ही पूछा मैंने। जाना है क्या दोबारा? उनके ब्याह हो गया सड्डा, उनकी करना है। हाय हाय। अच्छा, इस फिल्म में भुज में अजय सर अपनी वाइफ के लिए गाना गाते हैं कि बातूनी अखियां करती हैं बतियां। आपके बारे में तो लोग वैसे ही कहते हैं कि आपकी आंखें बोलती हैं। आपको क्या लगता है, आप आंखें भी पढ़ लेते हो? नोरा की आंखें देख के बताओ आप मेरे बारे में क्या सोच रही है। आपके बारे में क्या सोच रही है? कि कपिल अपनी बीवी से कितना प्यार करता है। ये भी सोच रही है कि कितना रोमांस करता है उसके साथ। ये आप अपने मन की भड़ास निकाल रहे हो भाई साहब, जो आंखों में लिखा है। आंखों में क्या लगा? आपका अपना कोई लव एंगल नहीं था फिल्म में, तो उठ जहाज उड़ा रहे हो, हमारा काम खराब कर रहे हो, डिटॉक्स कराओ आप। अमी पाजी आप बताओ, आंखों में देख के क्या क्या लगता है आपको? रक्षाबंधन आने वाला है। Oh, no! रखड़ियां होने वाली, रक्षाबंधन आने वाला है। भैया के लिए बहुत ज्यादा प्यार है। बाद में देखा दुनिया में ना कट थ्रोट इंडस्ट्री बहुत है, बर्दाश्त नहीं कर पाते कि लड़की हमारे बारे में कुछ सोच रही है। गर्मी भी लग रही साहिल सेट थोड़ा है गर्मी है आज थोड़ा बढ़ा दो एसी। ठंडा है? नहीं ठीक है, ठंडा है। हाँ यार पता नहीं, यहाँ तो डक्ट ऊपर जब भी नोरा आती है ये एसी की कंप्लेंट करता है। गर्मी
वो बोल रहा था ना बीवी जेलस होती है क्योंकि हर बार जब मैं आती हूँ ना वो हमेशा फ्लर्ट करता है मेरे साथ, इसलिए। बट अब तो ये दो बच्चों का बाप हो गया है, इसको कोई भी लाइसेंस, सारे लाइसेंस खत्म हो गए इसके फ्लर्टिंग के। अभी कोई नया पैतरा सोच तू। ले, दो बच्चों का बाप, मेरे अकेले क्यों हुए? पूरा देश लगा हुआ ना लॉकडाउन में। चल भाई, आप कैसे थे स्टडी में? अब MBA किया है तो ठीक ही होऊंगा, मतलब है? आज पहली बार कोई MBA वाला एक्टर आया हमारे शो पे, है ना? नूरा, आप कैसी थी बचपन में? अचानक से बदल हो गया। आप अच्छी थी स्टडी में? बहुत अच्छी थी। हाँ, एक्चुअली हमें प्रॉब्लम आती ना, हमें इंग्लिश पढ़नी पड़ती, आपकी तो वैसे ही इंग्लिश थी। यस यस। नूरा, एक बात बताओ, आपने अच्छों को डांस कराया, हम तो तब माने, अगर आप अजय सर को डांस करके दिखाओ तब माने। अजय इतनी डर्टी लुक्स कर लो पाजी, फिल्म में आप रेत में उठ रहे हो, भाग रहे हो। आप कपिल को डांस करा सकते हैं? मेरा तो इतना खराब है, मैं अकेला भी करूं तो खराब हो जाता है, मैं तो काम खराब है। तो मेरा कौन सा अच्छा है? मेरा तेरे से ज्यादा खराब है। अच्छा, ये तो हो गया डांस वाला मोमेंट कैंसिल। हाँ जी भाई साहब। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियो। हाँ जी, तो हम लोगों ने देख ली है वीडियो और तुमने भी देख लिया है? जिसके लिए वो ज्यादा जानी जाती है, तो वो अमेजिंग है बहुत ज्यादा, और नो डाउट औरतों भाई किसो वॉक है तो हाँ। और कपिल शर्मा के शो की क्या बात की जाए, जितना हाँ, इंडिया में फेमस है। अभी हम लोग जब ये देख रहे थे वीडियो, तो हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि हम वीडियो शूट कर रहे हैं या हम लोग कुछ बनाने के लिए बैठे हैं। ऐसा लग रहा था कि हम बस अपना ऐसे ही फन टाइम कर रहे हैं, क्योंकि जब हम नहीं भी बना रहे होते वीडियो, तब भी हम छोटे थे तब से हम कपिल शर्मा का शो देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था कि बस ऐसे बैठे हैं और देख रहे हैं। और कपिल शर्मा जो है वो आई थिंक ही सो एनर्जेटिक, और जिस तरह से वो हर बार जो है वो शोज करता है, मतलब कितने सालों से वो लगातार कर रहे हैं, और यहाँ भी वो इक्वली ही फेमस है उनका शो। बिल्कुल, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में देखा जाता है, मतलब लोगों को इतना पसंद है यहाँ पे, लोग कई कई घंटे ही वाला शो देखते हैं। मतलब जो टाइमिंग है कपिल शर्मा की, और जो जिस तरह से सारे जो एक्टर्स एक्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, कृष्णा हो या कोई भी, तो वो ऑल द एक्टर्स मतलब हाँ। और अब इनके नए सीजन में तो सुदेश जी भी हैं इसके अंदर, तो वो और भी ज्यादा अच्छा एक ब्लेंड देखने को मिलेगा, जो कि पहले नहीं थे बट अब हैं, तो लोगों की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है इस नए सीजन के साथ। और बात करें अगर इस पर्टिकुलर इस वीडियो की, तो अजय देवगन जो है वो मुझे पसंद है काफ़ी ज़्यादा, और मतलब जो उनकी मूवीज होती हैं, जिस तरह से वो एक्ट करते हैं, और जिस तरह कपिल शर्मा ने कहा कि आंखें जो उनकी बोलती हैं, आंखों वाली बात तो बिल्कुल करेक्ट। आई थिंक अजय देवगन का जो फेस है वो काफ़ी एक्सप्रेसिव है। हाँ, और ये तो है, मतलब जिस तरह से उनकी मूवीज वगैरह हमने बचपन वगैरह में भी देखी, तो बहुत ज्यादा वो अच्छी होती थी, तो ओवरऑल जो कोई वीडियो थी मुझे बहुत अच्छी लगी, और वो जो एक इंटरेस्टिंग सा एक एक्टर था इंटरेस्टिंग नाम है, वो भी बड़े बड़े वो स्वीट और इनोसेंट से जो है वो लग रहे थे। बाकी मूवी अच्छी होगी होपफुली हमने देखी तो नहीं है, बट इस शो की बात करें तो ये तो आई थिंक दुनिया में हर जगह ही देखा जाता है, जहाँ जहाँ कपिल शर्मा के फैंस हैं तो हम तो देखते ही हैं, और ये वीडियो बहुत ही हमें पसंद आई। और अगर आपको भी हमारा रिएक्शन अच्छा लग गया है तो
तो आपको पता है आपने क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट करना है. तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.